तो अब हम लोग बात करेंगे पैस टूल के बारे में। तो देखो, हमारे पास अभी एक इमेज है, ठीक है। अगर मुझे ये जो बंदा है उसको गायब करना है, ठीक है, या हटाना है, मान लो यहाँ पे कुछ और होता जो मुझे अनवांटेड सब्सटेंस था, ठीक है, जैसे यही आदमी है, इसको हटाना है, मेरे लिए मुझे ये इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, छोटे छोटे और फेस के लिए हमने बताया था स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश, बट ऐसे चीजों के लिए आपका काम आता है पैच टूल, जब बड़े बड़े चीजों के लिए आप करते हो। तो पैच टूल में क्या होता है कि आप पहले वो एरिया सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ये कुछ पेंसिल की तरह है कि आप क्लिक करते हो और आप पेंसिल की तरह चला देते हो कि कौन सा एरिया आपको हटाना है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ये सेलेक्ट कर लिया, इसको जैसे ही छोड़ दूंगा एक सिलेक्शन बन गया। अब पैच कैसे करते हैं, आप इस पे इस एरिया के बीच में जाके क्लिक करके और उसको ड्रैग करते हो, और जब आप ड्रैग करते हो ना, तो ये जब ड्रैग करके जहां ले जा रहे हो ना, वो वहां पे दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फिर आप घुमा फिरा के देख लेते हो कि कहां से मैच कर रहा है। तो जैसे देखो, मैं अभी यहां पे आया तो ये समुंदर मैच कर गया बिल्कुल उसी के जैसा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा यहीं पे। तो मैंने जैसे ही छोड़ा, आप देखो हमारे पास क्या हुआ, ये बिल्कुल गायब हो गया और समुंदर जैसा हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल फिर से डी करूंगा तो आप देखो वो बंदा गायब हो गया और हमारे पास क्या बन के आ गया, एक नॉर्मल समुंदर। तो पैच टूल में क्या होता है कि आप पैच टूल सेलेक्ट करते हो यहां से, ठीक है, हीलिंग ब्रश के नीचे होता है पैच टूल। उसके बाद आप क्या करोगे कि वो एरिया सेलेक्ट करते हो पेंसिल की तरह बिल्कुल, ठीक है, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, फिर उसको क्लिक करके ड्रैग करके आप देखते हो कि कहां से मैच कर रहा है टेक्सचर। जहां से टेक्सचर मैच करेगा वहां पे ले जाके आपको क्या करना है, छोड़ देना है उस पैच टूल को। तो देखो क्या होगा, और कंट्रोल डी दबा दोगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, वो टेक्सचर जहां पे आपने ले जाके छोड़ा है वो वहां पे उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को गायब कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।